हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं हुसराज। चलिए नए वीडियो के साथ आते हैं। थाने लोकेशन में गोडबंदर रोड पे एग्जैक्टली मैं खड़ा हूँ, बहेंद्रपाड़ा और गायमुख के बीच में। मतलब बहेंद्रपाड़ा जिधर लोकेशन आता है गोडबंदर रोड पे और गायमुख, यहाँ पे मेट्रो 4 का लाइन है जो गायमुख लास्ट स्टॉप है फिलहाल रखा हुआ है। उसके आगे तो गायमुख टू मीरा रोड तक कनेक्ट करेगी आगे जाके। तो अभी यहाँ पे मैं गायमुख और बहेंद्रपाड़ा के लोकेशन पे क्यों आया, क्योंकि ये थाने लोकेशन का एंड पॉइंट है जिधर रेसिडेंशियल, मतलब आप यहाँ से मीरा रोड से आते हैं तो रेसिडेंशियल स्टार्ट होता है यहाँ पे, पूरा थाना स्टार्ट होता है यहाँ पे, सिटी स्टार्ट होता है थाने सिटी का। तो यहाँ पे ये लोकेशन पे देखा जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांड बिल्डर भी है ऑलरेडी, गोदरेज है, लोदा है यहाँ पे, पुरानिक है, तो बहुत सारे विहांग का है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे है कि जो बजट देखा जाएगा ना, बजट 1 BHK का, मैं नॉर्मल बिल्डर का बता रहा हूँ, यहाँ पे 43-44 lakhs का 1 BHK आ जा रहा है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा ब्रांड में जाते हैं, हाई रेस टावर में जाते हैं तो थोड़ा सा प्राइसिंग बच जाता है 55-60-65 के बीच में। तो यहाँ पे देखा जाएंगे तो 1 BHK है ना, आपको नॉर्मल बिल्डर बता रहा हूँ, जो 7 storage टावर या 12 storage के टावर में जा रहे हैं, तो रीसेल प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं यहाँ पे, 43-45 lakhs के बीच में आ जाता है। एंड आप हाई राइज टावर में जाते हैं और ब्रांड में जाते हैं तो आपको 1 BHK 55 lakhs से लेके 65 lakhs के बीच में आ जाता है। 1 BHK 2 BHK देखा जाएंगे तो आपको 75 lakhs या 75 lakhs टू लेके आपको 95 1 crore तक भी आ रहा है यहाँ पे। मतलब जैसे आप ब्रांड में जाएंगे तो थोड़ा प्राइसिंग हाई होगा, हाई राइज टावर चाहिए तो थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा होगा। पीछे तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे वो गोडबंदर रोड हाईवे है जो लास्ट में देखिए वहाँ पे मेरा हैंड किधर, और इस तरफ देखा जाएंगे तो आपको बहेंद्रपाड़ा मेट्रो स्टेशन आ रहा, और इस तरफ देखा जाएंगे तो आपको गायमुख का मेट्रो स्टेशन आ रहा है। एग्जैक्टली ये रोड DP रोड है, यही रोड डायरेक्ट आपको पुरानिक जो है बहेंद्रपाड़ा के यहाँ पे रोड टच कर रहा है। एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा मैं टर्न करके दिखा देता हूँ, ये जो काम चालू है SRS बिल्डिंग का कुछ काम चालू है यहाँ पे, और एग्जैक्टली इसके मेरे पीछे देखा जाएंगे तो ये गोदरेज का है, अभी ये पोजीशन हो चुका है, गोदरेज एम्ब्राइड करके है, और भी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे इन्वेंट्री बचे हुए गोदरेज में देखना चाहते हैं। और एग्जैक्टली वो साइड में देखते हैं, ये बिल्डिंग के बैक साइड में और रोड के वो साइड में वहाँ पे लोदा है, लोदा स्प्लेंडरा करके है यहाँ पे, और एग्जैक्टली उसके ये गोदरेज के पीछे साइड देखा जाएंगे तो वहाँ पे पुरानिक है, पुरानिक उसका पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ये देखिए, ये गोडबंदर रोड है, मेन रोड है गोडबंदर रोड का। यहाँ पे सामने देखेंगे तो बहेंद्रपाड़ा मेट्रो स्टेशन है, टूवर्ड थाने तरफ चले जाते हैं, और इस तरफ देखेंगे तो आपको बोरीवली मीरा रोड चले जाते हैं, गायमुख मेट्रो स्टेशन है। मैं आपको फिलहाल ये एंड पॉइंट पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जरा प्राइसिंग कम है हैज़ ए नियर बाय थाने सिटी में। थाना स्टेशन तो लंबा है यहाँ से, 12 से लेकर 13 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है, बट जो वेस्टर्न लाइन जाना आना रहता है, बोरीवली साइड जाना है या अहमदाबाद साइड है, या फिर वेस्टर्न लाइन में आपको यहाँ पे मीरा रोड या बोरीवली कांदीवली ये साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी बहुत इजी पड़ जाता है, क्योंकि आगे फ्यूचर जाके मेट्रो लाइन भी आ रही है यहाँ पे, तो बहुत सारे यहाँ पे थाना ऐसा लोकेशन है ना, आपको थाने सिटी में देखा जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है थाने सिटी में। तो थाना ऐसा है, नई मुंबई के बाद थाने ऐसे लोकेशन पे है, एकदम मिडल ऑफ मिडल है, यहाँ पे थाना से आपको सब जगह जा सकते हैं, आप वेस्टर्न जाना है तो वेस्टर्न जा सकते हो, और आप अहमदाबाद गुजरात जाना है तो वो भी जा सकते हैं, यहाँ पे नासिक हाईवे जा सकते हैं, भिवंडी जा सकते हैं, थाने बेलापुर नई मुंबई जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं यहाँ से। एंड मतलब थाने सिटी ऐसा है ना, मेन कनेक्टिविटी मेन है, नई मुंबई के बाद है ना सेकेंड जो आता है थाने आता है, मेन डिस्ट्रिक्ट आता है मिडल ऑफ द थाने, क्योंकि थाने इट इज़ अ लेक ऑफ सिटी बोलते हैं बहुत सारे यहाँ पे, क्योंकि थाने इतना ऐसा डेवलप है कि आपको चारों साइड से कनेक्टिविटी, मिडल ऑफ द थाने सब जगह से कनेक्टिविटी, आपको कहीं पे भी जाना रहेगा तो आप थाने होके ही जाना है आपको। तो थाने ऐसे सिटी है, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी आए हुए है, सो आप है ना विजिट करिए, साइड विजिट करिए, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज अपने पास थाने सिटी में है। जो बजट देखा जाएगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग ही बता दिया कि हाँ, आपको कम कारपेट वाला चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में चाहिए तो 40 लाख में भी आ रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन बताओ 3 साल के बाद पोजीशन है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो आप है ना 40 लाख के ऊपर ही चलिए, बजट के हिसाब से आप देख रहे हैं तो,
एंड बाकी सिटी में जाएंगे, थाना सिटी तो वेरी कॉस्ट हाई है, वो भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं मेरे पास। तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करिए, कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट है, रेसिडेंशियल है, फ्लैट्स है, कमर्शियल शॉप, कमर्शियल ऑफिस, ये कुछ भी रिक्वायरमेंट है ना, आप कॉल करिए साइड विजिट के लिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। बट इसमें है कि आपसे जो न्यू फ्लैट्स रहते हैं बिल्डर के, या न्यू फ्लैट्स कमर्शियल शॉप्स ऑफिस रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। और आप रीसेल में जाते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस लग जाता है, ब्रोकरेज चार्जेस 1% ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा आपको, तो थोड़ा सा ज़रा वो ध्यान रखिए, यही मैं आपको वीडियो में बता था। और स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर साइड विजिट के लिए कॉल करिए, कुछ भी प्रॉपर्टी थाने सिटी में, थाने लोकेशन में आप देख रहे हैं, ये नंबर पर कॉल करिए, तो आपको जो जो रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। बट बजट रेसिडेंशियल देख रहे हैं 40 लाख के ऊपर जाएगा, घोटबंदर रोड ये साइड में जाएगा। आप आपका बजट है 70 है, 65 है, 75 है, तो आपको थाने सिटी में भी मिल जाएगा आपको। तो सब जगह अलग अलग लोकेशन पे प्राइसिंग रखा हुआ है। हाँ, डिटेल्स चाहिए कॉल करिए, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, ये मेरा बजट है, आप मुझे ये लोकेशन पे प्रोवाइड हो सकता है क्या, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से लोकेशन पे आपको प्रोवाइड हो सकता है और आपके बजट में बैठ सकता है यहाँ पे। तो यही वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।